हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और ये इनसाइड माय वार्डरोब सीरीज का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने आप लोग अपना बैंगल कलेक्शन दिखाया था, और इस पार्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नेल पेंट का कलेक्शन। तो मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स हैं। एक्चुअली नेल पेंट को मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ। पहला तो मैं नॉर्मल नेल पेंट, जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कलर्स चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, नेल में डिज़ाइंस बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नॉर्मली इस तरीके के यूज़ करती हूँ। और दूसरा नेल पेंट जेल नेल पेंट, परमानेंट जेल नेल पेंट, जो कि मैं कभी ऐसे कहीं जाना होता है, ट्रिप पे जाना होता है, टूर पे जाना होता है, जहाँ पे मैं बार बार अप्लाई नहीं कर सकती हूँ नेल पेंट को, या फिर किसी शादी या ट्रेडिशनल फंक्शंस वगैरह किसी भी ऐसी चीज़ों में जाना होता है जहाँ पे मैं नेल पेंट को रीअप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना परमानेंट जेल नेल पेंट यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को दोनों ही दिखाने वाली हूँ, और जो भी एक्सेसरी मैं यूज़ करती हूँ, जो भी आपको नीडेड है एक अच्छा खासा नेल पेंट करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यस, ज्यादा देरी नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल नेल पेंट दिखाती हूँ। ये मेरे नॉर्मल नेल पेंट का कलेक्शन है। इसमें आपको हर तरीके के नेल पेंट, बहुत सारी वेरायटी मिल जाएगी, और ये इतनी ज्यादा भर गई है कि अब ये बंद भी नहीं होती, बहुत मुश्किल से जाके बंद होती है ये। और इसमें बहुत सारे हैं, मतलब नायका के नेल पेंट हैं, और मतलब बहुत सारे ब्रांडेड नेल पेंट से लेकर के आपको लोकल मार्केट के नेल पेंट, जो भी मुझे कलर अच्छा लग जाता है मैं वो सारे परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नेल पेंट हर दिन चेंज करना, उस पर नए डिज़ाइंस बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए इतने सारे नेल पेंट। अगर आप कहोगे तो मैं इसको पूरा निकाल करके भी दिखा दूँगी हर एक कलर, बट आप समझ लो कि इतना है तो इसमें सारे ही कलर ऑलमोस्ट होंगे ही होंगे। तो ये सारा नेल पेंट का मेरा नॉर्मल नेल पेंट का कलेक्शन है। तो जेल नेल पेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास जेल नेल पेंट में इतना कलेक्शन है। सबसे पहले तो ऑल टाइम फेवरेट वाइट नेल पेंट, और सारे मैं इस ब्रांड के नेल पेंट यूज़ करती हूँ। इसको शिल्स प्रोफेशनल के नेल पेंट है ये सारे, शिल्स प्रोफेशनल और स्विस ब्यूटी के एक दो नेल पेंट है मेरे पास। तो वो है मेरे पास परमानेंट नेल पेंट, जिसमें से मेरे पास है ये वाइट कलर, ब्लू कलर, और ये स्विस ब्यूटी के नेल पेंट हैं 1, 2, 3, जिसमें लेवेंडर कलर है, एक ये पैरेट ग्रीन कलर है, मरून कलर है, और बेस कोट एंड टॉप कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको परचेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी नेल पेंट आप लगाओगे जब तक आप ये बेस कोट और टॉप कोट नहीं यूज़ करते हो, आप अपना नेल पेंट को लॉन्ग लास्टिंग और शाइनी नहीं बना पाओगे, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैंने जेलिविया का बाई किया हुआ, ये 600 मुझे अमेजोन पे मिला था। मैं सभी के लिंक कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें मेरा ऑनलाइन बाई ही है। तो ये इसमें रेड कलर है मेरे पास, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, और ये कुछ ये इस टाइप के आते हैं, ये पेन टाइप में होते हैं, इस तरीके का होता है जिससे आप अपना नेल ऐड कर सकते हो। तो कि आप जैसे मेरे हाथों पे देख रहे होगे, तो ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है। जैसे मैं घर पे रहती हूँ अपने, तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि मैं किस तरीके से न्यू डिज़ाइंस को बना पाऊंगी, मैं आगे लगा पाऊंगी, तो ये कुछ इस तरीके का मैंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। तो ये नॉर्मल नेल पेंट है, ये जेल नेल पेंट नहीं है। तो ये सारा मेरा जेल नेल पेंट का कलेक्शन है। जेल नेल पेंट के को वो ऐसे कभी भी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, उसे हमेशा यूवी लाइट से ही आप ड्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये वाला यूवी लाइट, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और सच में बहुत ही अच्छा यूवी लाइट है। ये मुझे सेल में मिल गया था, और ये 528 का था, 528 रुपये का मुझे बाई किया था मैंने। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से, इस तरीके का यूवी लैंप आपको मिलेगा ये, जिससे आप इसे प्लग इन कर सकते हो, और फिर आप इसे इसमें अपना नेल पेंट ड्राई कर सकते हो। तो ये आपके लिए नेसेसरी है अगर आप परमानेंट नेल पेंट लगाना चाहते हो। अगर मैं एक्सेसरी की बात करूं, तो एक्सेसरी में सबसे पहले जो क्यूटिकल, आप अपने क्यूटिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है परमानेंट जेल नेल पेंट के लिए, तो मैं मेरे पास यहाँ पे है क्यूटिकल रिमूवल प्रोफेशनल फार्मूला, इसे लगा करके आप अपने क्यूटिकल को मॉइस्चराइज कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो, और ये क्यूटिकल रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किया था, ये आपको पड़ जाएगा, ये आई थिंक 200 समथिंग का था, 250 के अप्रॉक्स का ये है क्यूटिकल रिमूवल। उसके साथ साथ ये क्यूटिकल पुशर ये ज़रूरी होता है, और ये क्यूटिकल कटर, ये दोनों
ये एक्सेसरी है, ये आपको मस्ट है आपके पास होना अगर आप परमानेंट नेल पेंट करते हो तो, या करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो ये दोनों टूल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपके जब तक क्यूटिकल क्लीन नहीं लगेंगे ना, आपके नेल पेंट निखर निखर के नहीं आएंगे। दूसरा ये तो सभी के पास होता ही है तो ये होना चाहिए आपके पास भी। और है ये बफर, जिसमें यहाँ पे एक तरफ आपको शेप बनाने के लिए है, दूसरा आपके पास पॉलिश के लिए होता है, तीसरा बफिंग के लिए होता है, और चौथा स्मूथनिंग के लिए होता है। तो कुछ इस तरीके का आप बफर भी यूज़ कर सकते हो। एक अच्छी क्वालिटी का थिनर आप यूज़ करो, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक ये वाला इस टाइप का थिनर, एक ब्रांडेड जैसे कलर बार का थिनर है, तो ये इस टाइप का मैं थिनर एक रखती हूँ, जो कि मुझे नेल पेंट रिमूव करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ कि आप जब परमानेंट नेल पेंट आप करोगे ना, तो आपको बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आपको जैसे नेल पेंट को आपको जल्दी से ड्राइन करने के लिए आपको थिनर का यूज़ करना पड़ता है। तो उस केस के लिए मैं एक जैसे ब्लू हेवन का एक लोकल ब्रांड का, जो थोड़ा सा चीप हो, इतने कॉस्टली ना हो, तो मैं उस टाइप का भी थिनर रखती हूँ। तो मैं इन शॉर्ट दो तरह के थिनर को यूज़ करती हूँ, एक ज़्यादा महंगे वाला ताकि वो जल्दी से रिमूव कर दे, और एक थोड़ा सा लोकल वाला जो ताकि मेरा बजट भी बना रहे। नेक्स्ट ये भी है डिज़ाइन बनाने के लिए, कुछ इस तरीके का। आपने बहुत सारा देखा होगा यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियो। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए होता है, जैसे आप इस तरीके से अगर पुश करोगे तो एक अच्छा सा फ्रेंच नेल पेंट क्रिएट आप कर सकते हो। तो फ्रेंच नेल पेंट के लिए ये मस्ट होता है। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइंस बनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास इस तरीके का टूथपिक। मतलब आपके हर किसी के घर में ये टूथपिक अवेलेबल होता ही है। टूथपिक हो गया, सेफ्टी पिन हो गई, आपके जो बॉबी पिन्स होती हैं वो हो गई, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छा खासा नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखो। और एक और चीज़, आपको घर में ना इस टाइप का कुछ स्पंज भी मिल जाता है, इस टाइप का स्पंज, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको अमेजोन पे एक अच्छा खासा ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दूसरे स्पंज बाय करने की। आप इस तरीके के स्पंज को यूज़ करके भी ओम्ब्रे इफेक्ट आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके का स्पंज भी मैं रखती हूँ अपने पास। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉटन बॉल्स रख रखे हैं, क्योंकि नेल पेंट लगाने के लिए आपको इस तरीके के कॉटन होना बहुत मस्ट है। तो कुछ कॉटन बॉल्स और कुछ इस तरीके का नेल पेंट रिमूवर टिश्यू, जो कि आपको आराम से ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन लोकल मार्केट्स में आपको इजिली मिल जाएगा, तो कुछ इस टाइप के टिश्यू। तो टोटल इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप नेल पेंट का शौक रखते हो मेरी तरह तो। और साथ ही साथ इतना जब आप क्यूटिकल को अपने पुश कर रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो साथ ही साथ उसको पोषण देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास ये है क्यूटिकल रिवाइटलाइजिंग ऑयल, तो ये आपको मिल जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन ही बाई किया था, ये मुझे अप्रॉक्स 1000 से तो ऊपर का ही था। थोड़ा हाँ लग्जरी है तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। आपको 75 ml भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक अच्छा खासा टाइम तक आपके ये जाता है। कुछ इस तरीके के मैंने ग्लिटर्स भी ऑनलाइन बाय किए हुए हैं, जिसमें आपको हर तरह के ग्लिटर शेड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। ये है बोजवा ग्लिटर पाउडर, और इसे मैंने बाय किया हुआ था, इसे भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है अमेजोन से ही। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना, ये मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही बाय कर रखी है मैंने। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के इसे चेकआउट करो। बहुत जल्द मैं अच्छा खासा डिज़ाइन लेकर के आने वाली हूँ नेल पेंट से रिलेटेड, जेल नेल पेंट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास मेरे वार्डरोब में क्या क्या चीज़ें नेल पेंट से रिलेटेड अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और कमेंट में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मेरे इस वार्डरोब सीरीज के नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो चलो इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।